जनपद बिजनौर के चांदपुर में कृषि बिलों से नाराज किसान यूनियन से जुड़े एक किसान ने अपनी गेहूं की 6 बीघा फसल को नष्ट कर दिया। दरअसल बिजनौर के गांव कुलचाना निवासी किसान का कहना है कि उसकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है और अब जो सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं वह भी किसान विरोधी है। इसी के विरोध में किसान ने अपनी गेहूं की 6 बीघा फसल को नष्ट कर दिया। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाम है जी सोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कुलचाना, तहसील चांदपुर। जी बताइए, आपने जो फसल जोती है क्या फसल थी, क्यों जोती है आपने? देखो जी, गेहूं की फसल थी और जोतने का जो कारण रहा है वो MSP और ये 3 कृषि काले कानून जो आए हैं इनके विरोध में। जब MSP पे मूल्य सही नहीं मिल पा रहा हमें तो बेचने से बढ़िया तो अपने घर के खाने लायक रखो, बाकी फसल ना वो। तो कितने बीघे आपने ये जो फसल करी, कितने? ये 5.5 बीघे से ऊपर ही थे जी, 6 बीघे के लगभग। कौन कौन आया आपके यहाँ, कोई आया अधिकारी? अधिकारी तो अभी तक कोई आया नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ से 2 सिपाही आए थे जी। हाँ, पूछ के गए भाई क्यों जोतती है, वो बता दी मैंने, और पत्रकार बंधु आए थे। क्या कहना चाहोगे? कहना यही है कि ये कृषि कानून जो है वापसी लिए जाए।